ट्रांसपोर्ट करने से पहले तो ना फीड डालना ज़रूरी थी, क्योंकि ये जाएंगे अच्छे खासे दूर, तो इसलिए तो ना ट्रांसपोर्टेशन से पहले मैंने कहा फीड डाल दें, कल से भूखे हैं तो फिर वो नुकसान हो जाएगा। जैसे पता है बिल्कुल ड्राई मुर्गी जाती ना वो मरती है, ना ज़्यादा पेट भरा हो ना ज़्यादा खाली हो। तो ठीक है ना, ये हो गई चार पाँच चीज़ें बड़े काम की। छोटे काम की क्या चीज़ होती है, मैं आपको काम करूँगा ना, दोनों बिजनेस बताऊँगा, फिर उसके बाद हम घर जाके ना डिसाइड करेंगे कौन सा बेहतर है कौन सा ये है, ठीक है ना, कौन सा सही रहेगा मेरे हिसाब से। ब्रोकर आपसे अंडा लेगा कट में, उसके बाद वो दुकान पे सप्लाई करेगा, वो वहाँ पे पैसे रखेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अल्लाह ने उसकी रोज़ी रखी है, उसका एक सिस्टम चलता है, उससे के बकौली आपको क्लाइंट मिलता है। तो अब वो बंदा सारी बातें बताने का रीज़न आपको ये था कि देखिए मैंने कमर्शियल फार्मिंग करी है, मुझे लगता है कि पर्सनली कमर्शियल फार्मिंग में अगर आप अपना बिज़नेस बनाना चाह रहे हैं ना, तो शायद थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं और कोशिश करें कि उसको फिर आप प्रॉपर वे में भी, यानी कि फिर बहुत बड़े स्केल पर। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ होंगे। तो भाई अभी अभी जैसे कहते हैं ना बारिश हुई है, और अब जो है ना मैंने कहा ज़रा इनके पास आ जाए, मक्खियाँ देख के आपको अंदाजा हो रहा होगा ना कि बारिश के बाद अच्छा खासा हफ्स हो गया, पूरी जगह गीली हुई हुई है। और मैं आपको ज़रा मौसम दिखाऊँ ना, मौसम भी बड़ा प्यारा सुकून सा हो गया, उस तरफ से घटाया आई है। खैर बारिश ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन खाली बूंदाबांदी हुई थी, तो अभी तो ना उसमें अच्छी खासी गंदी किचकिच हो गई रोडों के ऊपर, और मक्खियाँ जो ना बहुत सारी बढ़ गई। खैर अभी आपको ज़रा दिखाते हैं अपने रैबिट्स, और उसके बाद जो ना आज का जो एम है ना वो ये है कि बेसिक तो मैंने आज के डेट में करना है कि मैंने कुछ मुर्गे सेल आउट करने हैं, पहला काम तो ये करना है। दूसरा काम एक और है, वो इंशाल्लाह आपको शाम में दिखाएंगे, उससे पहले तो ना ज़रा मुर्गे वाला काम निपटाते हैं, उसके बाद आपको कहीं अपडेट देते हैं। माशाल्लाह से देख रहे हो कैसे लाइन से बैठे हैं, पढ़े लिखे मुर्गे रैबिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो ये 2 गीले हुए हैं, इनको पता नहीं क्या शौक है, ये गीले हो जाते हैं बारिश में, जबकि इनको जबकि इनको बारिश दिनों कोई खास पसंद नहीं होती। ये देखो भाई ये बैठा हुआ है इसका प्यारा सा बच्चा, और ये बच्चे के फ़ौरन पास आ गई, और 2-3 जो है ना बाकी के वो इसके अंदर बैठे हुए होंगे। मैं आपको दिखाऊँ ना इसके अंदर ये बैठा हुआ एक, और इसी तरीके से बाकी भी होंगे। मैंने लास्ट टाइम की वीडियो में दिखाया था आपको कितने प्यारे लग रहे थे, है ना, बाग के अंदर होते बड़े थे ना शर्मीले से। खैर हमारे 4-5 और बढ़ जाएंगे, फिर हमारे पास जो रैबिट्स हैं ना वो और भी बहुत सारे हो जाएंगे। ये भाई माशाल्लाह से 3 रैबिट्स से 18 हो चुके हैं, और 4-5 और डालते तो तकरीबन 22 हो जाएंगे माशाल्लाह से 3 रैबिट्स से। हम दिन हम एक काम करेंगे, एग्जैक्टली 6 महीने की कॉस्टिंग करेंगे, 6 महीने में कितना इन पर खर्चा हुआ है, मुझे अंदाजा है कि डेली के 100-120 रुपये खर्च होता है इन पर, ठीक है, और उसके बाद कितना इससे हमने जरा निकाला है, तो एक मोटा मोटा अंदाजा हो जाएगा कि क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ जो भी चीज़ होंगी ना। अभी देखें अभी 100 रुपये का लूसन डाला है ना मैंने, अब इनको मैं कुछ नहीं डालूंगा, अभी कल खाएंगे जो भी खाएंगे, 100 रुपये का लूसन इनके लिए बहुत ज़्यादा है। अभी आप देखेंगे सब खा जाएंगे, डंडी वंडी सब खा जाएंगे, तो उसके बाद ना आपको ज़रा अपडेट भी देंगे, और आप लोग भी बताओ कि चाहते नहीं चाहते कि एक आइडिया हो जाए कि बंदा अपनी घर में अगर रैबिट्स वगैरह रखे तो उसे कितने प्रॉफिट बना सकता है अगर सब चीज़ें बेहतर रहें। तो चले अभी चलते हैं अंदर अपने गरीब खाने में, और वहाँ चल के आपको अपडेट देते हैं। मैंने जो कहा था आपको शिफ्ट करना है, बेसिकली ये मुर्गे हैं जिन्होंने सच में ज़िंदगी ख़राब करी हुई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये अपने घर के हो जाएंगे, मेरी जान इनसे छूटेगी। एक जो इसमें ना बादशाह वो छुप के बैठ गया ऊपर की तरफ, मैं आपको दिखाऊँ ना, ये एक बिल्कुल आगे बहुत बड़ा सा मुर्गा है, मैं आपको जरा दिखाता हूँ किधर है वो, पता नहीं यहाँ पर था अभी कहाँ गायब हो गया। तो बहरहाल वो मुर्गा जो है ना वो अगर रखते चढ़ जाता ना बड़ा मज़ा आता, तो बहुत बड़ा मुर्गा है साइज़ में। खैर ये भी छोटे नहीं हैं, इनसे भी जान छुड़वानी है, और इंशाल्लाह ताला अपने घर के हो जाएंगे, ये आखिरी के तो रह गए, तो फिर उसके बाद जो है ना कहानी भी ख़त्म और गेम भी फिनिश। तो चलें भाई जल्दी से इनको पकड़ते हैं, और पकड़ने के बाद इनको फिर केज में डाल के इनको भी फारिग करते हैं। तो आज ये वाला काम है पहला, उसके बाद जो ना आगे कहानी लेके चलते हैं। देख रहे हो साइज़ देखो इनका माशाल्लाह से, ये केज में भी बेचारे परेशान हो रहे हैं, इतने बड़े हो चुके हैं, अब जाएंगे ना किसी के घर पर तो वहीं पर सही रहेंगे ये, हमारे पास से तो इनकी बस हो गई है, अल्लाह ने यहाँ पर इनका रोज़ी रिस्क इतना यहाँ तक रखा था, आगे इंशाल्लाह कहीं और रखा होगा। तो चले भाई जल्दी से पकड़ते हैं, या तो इनके रिस्क कहीं और रखा होगा या ये किसी और का रिस्क बनने वाले हैं, अल्लाह की तकसीम क्या कह सकते हैं। तो चले भाई जल्दी से इनकी फिटिंग करते हैं, उसके बाद आपको कहीं ब्रेड शिफ्ट सुनाते हैं। अच्छा भाई आज का जो हमारा टॉपिक था ना वो ये है कि बेसिकली स्मॉल स्केल और बड़े स्केल में क्या फ़र्क है। टॉपिक मैं आपको आगे जाके अच्छे से डिफाइन करूँगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा, अभी तो सिर्फ रफली मैंने आपको आइडिया देने के लिए मैंने कहा आपको ज़रा बता दें कि स्मॉल स्केल में प्रॉफिटेबल है या बड़े स्केल में प्रॉफिटेबल है। खैर अभी इनको फीड डालने, क्योंकि ट्रांसपोर्ट करने से पहले तो ना फीड डालना ज़रूरी थी, क्योंकि ये जाएंगे अच्छे खासे दूर, तो इसलिए ना ट्रांसपोर्टेशन से पहले मैंने कहा फीड डाल दें, कल से भूखे हैं तो फिर वो नुकसान हो जाएगा। जैसे पता है बिल्कुल ड्राई मुर्गी जाती ना वो मरती है, ना ज़्यादा पेट भरा हो ना ज़्यादा खाली हो, तो ये भी ना बड़ा खतरनाक मसला होता है। और दूसरा जो टॉपिक जो मैंने सोचा है ना वो ये सोचा है कि यार ज़्यादातर लोग मुझे मैसेज करते हैं कि यार छोटे स्केल पर क्या फ़ायदा है बड़े पर फ़ायदा है, और छोटी स्केल पर फार्मिंग करें या बड़े स्केल पर फार्मिंग करें, इस तरह के दोनों में बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे होते हैं। तो मैंने कहा चले क्यों ना इसका एक प्रॉपर जवाब दिया जाए और सबको समझाया जाए कि देखें क्या चीज़ बेहतर है, ऐसा ना हो ना कि आप लोग सोच रहे हो कि भाई छोटे स्केल पर कम प्रॉफिट है बड़े पर ज़्यादा
ज़्यादा प्रॉफिट है, लेकिन बड़े की ज़िम्मेदारियाँ भी अपनी अलग हैं। और मैं खुद जो हूँ ना, मैंने देखें एक टाइम फार्मिंग करने के बाद अब जाके इस फार्मिंग को स्मॉल स्केल भी किया हुआ, तो उसकी क्या वजूहत हैं, क्या सारी चीज़ें। खैर, माल का साइज़ देख रहे हो आप कितना बेहतरीन है माशाल्लाह से। कुछ मुर्गे तो यार हद से ज़्यादा प्यारे थे, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि इनको भेजने का, लेकिन अब बकरा कहाँ से दोस्ती थोड़ी करेगा, बकरा कहाँ से घोड़ा कहाँ से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, तो ये वाली बात है, तो इसलिए मजबूरन बेचना पड़ता है। खैर, अभी ज़रा ये सारा काम निपट गया, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं। और ये देख रहे हो ना कि माशाल्लाह से क्रेट जो था ना वो इस तरह था। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने सवाल किया था कि यार ये क्रेट जो है ये कितनी देर में नीचे आता है, तो मैंने कहा वीडियो रिकॉर्ड करके इस दफ़ा आपको बताते हैं कि भाई ये क्रेट जो है ना तकरीबन एक मिनट लेता है एक चक्कर के। एक मिनट के अंदर ये क्रेट ऊपर से नीचे आ जाता है और आपको जो है ना ये क्रेट मिल जाता है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें, एक मिनट सवा मिनट का एक चक्कर है चौथे फ्लोर पर। तो वो भाई साहब के पास छठा फ्लोर था, तो वो कहते हैं ऐसा तो नहीं है कि वो आने में 5-6 मिनट 10 मिनट लगा दे, तो फिर जाहिर से बात है ना मसला हो जाएगा। तो मैंने कहा आपको ज़रा इसका आइडिया देने के लिए आपको एक छोटी सी लुक देते हैं और आपको अंदाज़ा भी हो जाए किस तरीके से ये काम है बेसिकली। सर ठीक है, चले हम बताते हैं। पकड़ लिए उनको, आराम से नीचे भेज दिया, अब चल के दुकान पर हल्का सा उनको दीदार आपको करा देंगे, अगर ज़रूरत महसूस हुई वरना तो उनको देखे बस फारिग करेंगे। बहुत दफ़ा देख लिया, बहुत दिन देख लिया, अब कहानी को जरा बस करते हैं। तो चले भाई जल्दी से ज़रा निपटते हैं, आगे की तरफ कहानी सुनाते हैं आपको, फिर वीडियो को भी एंड करते हैं। अच्छा भाई, उस सारे चीज़ों को तो कर दिया हमने सेल आउट, ठीक है ना। अब जो अगली बारी है ना वो है इन सबको शिफ्ट करना है, लेकिन इन सबको भी सबको नहीं करना, ये जो बड़े बड़े टर्की दिख रहे हैं ना इनको मैं ही छोड़ देंगे, और जो बाकी है ना उनको मैं शिफ्ट करूँगा। इनका मसला क्या है, ये हल्का सा उड़ते हैं हमारे सारे चूज़ों की तरह हवा निकल जाती है, बेचारे भागते भी तो ना भागने शुरू हो जाते हैं डर के मारे। तो अब सिचुएशन क्या सोची, अब सोची ये है कि जल्दी से इनको शिफ्ट करेंगे और उसके बाद हमारा जो आज का टॉपिक होता है डेली हम एक डिस्कस करते हैं, इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे, सही है। तो जल्दी से इनको क्रेट में डालते हैं और मिलेंगे डायरेक्ट दुकान पर, ठीक है ना, यानी कि वो दूसरे सेटअप पर हमारे जहाँ से मैंने भी मुर्गे निकाले थे। इसकी एक आँख देना यार बहुत ज़्यादा स्वेल हो चुकी है, इधर आओ तो कुछ करना पड़ेगा। अच्छा भाई, चूज़े मैंने शिफ्ट कर दिए हैं यहाँ पे, और मैंने सोचा कि क्यों ना यार आपको दोबारा वीडियो दिखाएं कि किस तरीके से मैं शिफ्टिंग करता हूँ। नॉर्मल सी बात है, कोई खास तो है नहीं, इंशाल्लाह किसी और वीडियो में दिखा देंगे, एक ही वीडियो में दो दफ़ा दिखाने का क्या रीज़न। तो अच्छा, बात जो है ना वो आज की ये थी कि यार आप में से अक्सर लोग कन्फ्यूज़ हैं कि वो स्मॉल स्केल फार्मिंग करें या बड़ी स्केल पर फार्मिंग करें, यानी कि मेरी तरह एक छोटे फार्मर बने। छोटा फार्मर मैं अपने को क्यों काउंट करता हूँ, मेरे पास 1000-2000 बर्ड्स होते हैं डेट्स इट, इससे ऊपर बर्ड्स नहीं होते। लेकिन अगर मैं फार्म जैसे करता, जैसे मैंने पहले किया, तो मेरे पास 8-10 हज़ार बर्ड्स थे। तो सवाल ये है कि कौन सा प्रॉफिटेबल है, कौन सा फार्मिंग टेक्निक ज़्यादा बेहतर है और किस में आप सस्टेन कर सकते हो अच्छा। तो मैंने कहा चलें इस पर एक छोटी सी बात बता देते हैं, होपफुली आपको अच्छी लगेगी। कोर्स में भी डिस्कस करी हुई है मैंने ये वाली बात, जो हमारा फार्मिंग का कोर्स है जिसकी फीस 2500 रुपीज़ है, उसमें भी मैंने चीज़ें डिस्कस करी हुई हैं। पर मैंने कहा चलें एक काम करते हैं ना, ज़रा यहाँ पे भी डिस्कस करें, आप लोगों को अंदाज़ा हो। देखें जो इकोनॉमी है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आप बिज़नेस करते हैं 10,000 बर्ड्स डाल के, आपको उसमें क्या चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी सबसे पहला पॉइंट, ठीक है ना। उसके बाद आपके छक्के लगने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि आपके लॉस के चांसेस भी ज़्यादा हैं। चौथा पॉइंट ये है कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा, ठीक है। पाँचवा पॉइंट ये है कि टाइम भी कंज्यूम होगा, उसके अलावा आपकी मैनेजमेंट डिफ़िकल्ट होगी, ठीक है ना। ये हो गई 4-5 चीज़ें बड़े काम की। छोटे काम की क्या चीज़ होती है, मैं आपको काम करूँगा ना, दोनों बिज़नेस बताऊँगा, फिर उसके बाद हम घर जाके जो है ना डिसाइड करेंगे कौन सा बेहतर है, कौन सा ये है, ठीक है ना, कौन सा सही रहेगा मेरे हिसाब से। अब करते हैं आप एक स्मॉल स्केल फार्मिंग, यहाँ पे 10,000 बर्ड नहीं, आप सिर्फ 2,000 डालते हो, 2,000 भी नहीं, आप मैं कहता हूँ खाली 500 अंडे वाली मुर्गियाँ डालते हो, ठीक है ना। वहाँ पे आप 10,000 अंडे वाली मुर्गियाँ डालते थे, अब 500 अंडे वाली मुर्गियों में आपको क्या फ़ायदा होगा। देखिए 500 बर्ड्स आपने पाले, हम सपोज़ करते हैं उन 500 बर्ड से आपको 500 डेली का अंडा आ रहा है, वैसे आता नहीं है, 400 आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, 400 या 450 आएगा, पर मैं एक ज़रा थ्योरेटिकली बात कर रहा हूँ हम सपोज़, ताकि कैलकुलेशन हमारी ईजी हो जाए। अब 500 बर्ड्स जो है ना, उसमें से आपको 500 अंडा आया, आपने उस अंडे को बेचा 10 रुपये में, ठीक है, अगर आप घर पे फार्मिंग कर रहे हो, सॉरी आपने उसको बेचा 12 रुपये में, सही है। तो वो बिकेगा तकरीबन कितने का, वो बिकेगा अगर हम 12 रुपये का भी बेचते हैं अंडा, सिर्फ देखें सारी चीज़ें कैलकुलेशन में चल रही हैं, अंडे का रेट मुझे पता है लेकिन ईजी रहे ना कैलकुलेशन। तो 500 अंडा आपने बेचा 12 रुपये के हिसाब से, तो ये बिक गया तकरीबन 6,000 रुपये का। 6,000 रुपये के हिसाब से जो टोटल आपकी कैलकुलेशन बैठेगी वो एंड ऑफ मंथ बनेगी कितनी, 6,000, 60,000, 1,20,000, 1,80,000 रुपये के आपने अंडे बेचे, ठीक है ना। यहाँ पे आप डायरेक्ट गए बेकरी वाले को, आपने 2 दिन बेकरी वाले से बात करा, आपने उनको सेल आउट कर दिया, आपको अच्छे पैसे मिल गए, आपको कैश पैसे मिल गए, आपको कोई इतनी टेंशन नहीं हुई। अब सपोज़ करते हैं आपने 10,000 बर्ड्स डाले में, अब आपके इन्वेस्टमेंट जो है वो 20 टाइम्स ज़्यादा है। सपोज़ अगर 500 बर्ड आपकी 8 लाख रुपये में रेयर हो रहे थे, तो 10,000 बर्ड्स आपके कितने में रेयर होंगे, नियर अबाउट 1,60,00,000 में, ठीक है ना। अब इन्वेस्टमेंट आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, 10,000 बर्ड्स आपके होंगे तकरीबन 500 बर्ड्स अगर आपके
3.5 लाख में, औरतों के पास 80 लाख रुपये में हो जाएंगे, राउंड लेके चलते ना, गाने को थोड़ा शॉर्ट करेगा, सॉरी कैलकुलेशन थोड़ी गलत हो रही है। तो अगर 4 लाख में आपको पढ़ लें 500 बट, तो तकरीबन 80 लाख रुपये के अंदर आपको ये बट पड़ेंगे, यानी कि इन्वेस्टमेंट आपकी 20 टाइम्स हो गई। उसके अलावा जो मार्जिन होगा आपका वो उसमें ज़्यादा होगा, 10,000 बट हम सपोज करते हैं 10,000 अंडे दे रहे हैं, लेकिन इसमें आपको मसला क्या आएगा, आपको आने जाने की कॉस्ट मारेगी, ठीक है। उसके अलावा आप डेली कोई और काम नहीं कर सकते इसके साथ, आप कम्प्लीटली एक ही बिज़नेस पर डिपेंड हो गए। देखिए मैं रेकमेंड करता हूँ, अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं ना तो बहुत अच्छा बिज़नेस है, मैं खुद भी करता हूँ, और मेरा अभी तक यकीन करें कंटेंट क्रिएशन से ज़्यादा अल्लाह का बड़ा कर रहा है, मैं फार्मिंग से काम चल रहा है। आपको लग रहा होगा यार इतनी सारी फॉलोविंग है, 4-5 लाख फॉलोवर्स हैं सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, लेकिन मसला सारा ये है ना कि उससे ज़्यादा अभी भी मेरा इसी से काम चल रहा है। हम चीज़ें बेचते हैं, बर्ड्स बेचते हैं, उसके अलावा इस तरह की चीज़ों से हमारी चीज़ें अभी तक अल्लाह का शुक्र है चल रही हैं। तो अगर आप इसको पार्ट टाइम करो और साथ में कोई और काम करो तो आप छोटे स्केल पे कर सकते हो, लेकिन बड़े स्केल पे ऐसा पॉसिबल नहीं है, बड़े स्केल पे आपको फुल टाइम करना है। अच्छा, वो जो मैंने आपको कहानी सुनाई थी ना अंडे की, अब आप फार्म पर हो ना, फार्म पे आप 8 रुपये का अंडा नहीं बेच सकते, 10-12 रुपये का आपको बेचना पड़ेगा, 7-8 रुपये का। उसकी वजह क्या है कि बीच में एक ब्रोकर ऐड होगा, ब्रोकर आपसे अंडा लेगा कट में, उसके बाद वो दुकान पे सप्लाई करेगा, वो वहाँ पे पैसे रखेगा, क्योंकि जाहिर सी बात अल्लाह ने उसकी रोज़ी रखी है, उसका एक सिस्टम चलता है, उसके बकौली आपको क्लाइंट मिलता है। तो अब वो बंदा भी आपके बीच में आ गया, तो मार्जिन जो होगा ना वो शायद ज़्यादा हो रहा होगा, लेकिन उसमें चिरांदे ज़्यादा हैं, मैं अभी भी शायद अपनी बात समझा नहीं पाया। तो ओवरऑल जो है ना इसको समराइज करते हैं ताकि आपके लिए भी आसानी हो जाए और आप समझ सको। भाई समराइज में ये है कि आप यहाँ पर महंगा अंडा बेच सकते हो, फार्म पे महंगा अंडा नहीं बेच सकते, आपने ज़्यादा से ज़्यादा निकालना है, उसमें आपको बीच में कोई मिडल मैन इन्वॉल्व करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आपके पास पैसे कम है, आप कम रिस्क ले सकते हो, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा स्मॉल स्केल पे स्टार्ट करो, बड़े पे मत जाओ अगर आपके पास लिमिटेड अमाउंट है। लेकिन अगर आपके पास अंधा पैसा है, अगर वो पैसा सारा डूब भी जाए, आपको फर्क ना पड़े, तो आप कर लो। ये मशवरा मैं इसलिए देता हूँ लोगों को कि देखें कुछ लोग होते हैं वो नुकसान बर्दाश्त कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको मैंने खुद देखा है अपने टाइम पे, भाई आपको शायद मजाक लगता हो, कोई अपना प्रोविडेंट फंड लेकर आया हुआ होता है, यानी कि रिटायर हुआ, अच्छा खासा फंड मिला, सारा इन्वेस्ट कर दिया, किसी को अपने ससुराल से पैसे मिलते हैं, किसी को अपने घर के हिस्से से मिलते हैं, किसी कोई US वगैरह से या किसी फॉरेन कंट्री से आया हुआ होता है, सारे से बातें सबकी जमा कुंजी होती है। अब सबके दिमाग में क्या होता है यार, सारी ज़िंदगी जो है उन्होंने जॉब करी है कहीं ना कहीं, जो गलत बात नहीं है, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। अब जॉब करने के बाद उनके जहन में ये होता है कि यार ये हम काम करेंगे, ये हमारा प्रोडक्ट तैयार होगा, अब ये प्रोडक्ट तैयार होगा तो उसमें हमें पैसे मिलेंगे क्योंकि हमने काम किया है। तो देखें जॉब में तो ऐसा होता है कि आप काम करोगे तो आपको पैसे मिलेंगे, बिजनेस में ऐसा नहीं होता, बिजनेस में ऐसा भी होता है कि आप काम करोगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। जैसे फैज को हुआ, उसने 45 दिन मेहनत करी, उसके बावजूद उसको 1 लाख रुपये का नुकसान हुआ, मुझे भी बहुत दफ़ा हुआ। तो इन जनरल से फैज की एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ कि देखें चीज़ें ऐसी है ना कि आप मेहनत करोगे उसके बाद भी आपको लॉस हो सकता है, लेकिन जॉब में ऐसा नहीं होता। जॉब में या तो ये होगा कि आप कंप्लीट फारिग हो जाओगे, आपकी मेहनत ही नहीं होगी, लेकिन बहुत रेयर केस होते हैं कि पैसे से दब जाएंगे। हम सिर्फ एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रहे हैं। तो भाई मेरे हिसाब से अगर आप लोग काम कर रहे हो तो भाई छोटे स्केल पे काम करो, साथ में पार्ट टाइम कुछ और शुरू कर लो, फ़ायदे में रहोगे, बेहतर रहोगे। मैं पार्ट टाइम क्या करता हूँ, मैं पार्ट टाइम पढ़ता हूँ और मैं पार्ट टाइम वीडियोस बनाता हूँ, सिर्फ इसलिए कि मेरा जो अपना फ्यूचर है ना वो अल्लाह ने अगर चाहा तो सिक्योर हो जाए। वैसे तो कल का नहीं पता कल क्या होता है, कल हम आप और हम कहाँ होते हैं और कल होते भी नहीं होते, एक जनरल बात है। लेकिन बंदा अपनी तदबीर लेके तो चले ना, कि खुदा ना करे अगर मेरी फार्मिंग फेल होती है, वैसे तो मैं फार्मिंग से पैसे कमा रहा हूँ, लेकिन खुदा ना करे अगर मेरी फार्मिंग फेल होती है तो मेरे पास एक बैकअप के ऊपर एक कंटेंट का सेटअप होगा, कि मेरे पास अच्छी फॉलोइंग होगी तो मैं कुछ और कर सकता हूँ, और खुदा ना करे अगर वो भी ना चले तो मेरे पास डिग्री होगी तो एटलीस्ट कहीं मैं जॉब कर सकता हूँ। अल्लाह ना अल्लाह अगर ज़रूरत पड़े मुझे और कहीं मुनासिब चीज़ समझ में आए तो मैं जॉब भी कर सकता हूँ। तो एटलीस्ट छोटे स्केल पर यह फ़ायदा होता है। और जिस तरह देखें हमारी करंट चल रही है ना चीज़ें, तो मैं रेकमेंड करूँगा भाई छोटे ही चलें, अनलेस एंड अंटिल आपके खर्चे बहुत ज़्यादा नहीं हैं, आप मिडिल क्लास नहीं हैं, आप चीज़ें फीस कर सकते हैं, और उसके अलावा आपको लगता है कि यार आप कर लोगे, कुछ नहीं होता, आप फेस कर लोगे कि आपके पास अगर 2 करोड़ आपने लगाए तो 2 करोड़ आपको बैकअप में भी पड़े हुए हैं, खुदा ना करे डूब गए तो मैं इसको इस तरीके से समझा लूँगा। क्योंकि देखें फार्मिंग के अंदर आप साल की प्लानिंग करते हो, साल अगर आप गोल्डन मिस्त्री ब्रॉयलर प्लान कर रहे हो तो आप साल की प्लानिंग करोगे, और अगर आप लेयर प्लानिंग कर रहे हो तो आप 3 साल की प्लानिंग करोगे, तब जाके आप प्रॉफिटेबल होगे। ये नहीं कह रहा कि मैं 2-3 साल आप पैसे नहीं कमाओगे, आप कमाओगे, लेकिन आपके पास बैकअप होना चाहिए कि आप फार्म को रन कर सको। तो कुछ बातें थी मोटी मोटी सी, मैंने कहा मैं आपको बता दूं कि भाई क्या है, और इसको अगर चाहते हो कि और डिटेल में लेके चलूँ मैं तो बड़ा अच्छा होता होगा। अच्छा एक चीज़ और है मेरे हिसाब से छोटा अच्छा है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ फिर वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है ना। 12 मिनट हो गए, लेकिन वो भी ज़रा अच्छा आइडिया होगा ना आपको, बल्कि काम करते हैं घर चलते हैं, घर चल के ये बात को डिस्कस करते हैं, अंडे वाली मुर्गी को फीड डाल के फिर आपको बताते हैं कहानी, सही है। अच्छा भाई लास्ट मैंने कहा था कि भाई मुझे पर्सनली जो है ना, मैंने कहा आपको बता देते हैं क्या चीज़ बेहतर लगती है, भाई मुझे पर्सनली अगेन मैं शायद 3री दफ़ा ये बात रिपीट कर रहा हूँ, मुझे पर्सनली भाई स्मॉल स्केल फार्मिंग ज़्यादा बेटर लगती है। ये सारी बातें बताने का रीज़न आपको ये था कि देखिए मैंने
कमर्शियल फार्मिंग करी है, मुझे लगता है कि पर्सनली कमर्शियल फार्मिंग में अगर आप अपना बिजनेस बनाना चाह रहे हैं ना, तो शायद थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं और कोशिश करें कि उसको फिर आप प्रॉपर वे में भी, यानी कि फिर बहुत बड़े स्केल पे करें तो फिजिबल है, लेकिन अगर इनिशियल स्टेप में तो भाई छोटे से स्टार्ट लें। जब तक आप छोटे पे रहेंगे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी 6 महीने साल के अंदर इंशाल्लाह। उसके बाद आप बड़ा स्टेप लें छोटे को, मैं ये नहीं कहता कि 50, 100, 200, मैं कहता हूँ 500, 1000, 2000। इस स्केल को मैं छोटा राउंड करता हूँ। क्या हुआ, डर क्यों गया भाई, खैरियत है? तो चूहे की तरह डराता रहता है इनको ये। तो बस यार आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेगा, और साथ साथ अगर आपसे कोई पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहते हो तो फार्मिंग का कोर्स भी बाय कर सकता है जिसकी फीस है 2500 रुपीज़। और उसकी मज़ीद डिटेल के लिए आप मुझे स्क्रीन पे मेरा नंबर गिवन है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और क्या कहते हैं, उसमें सारे खाली फार्मिंग के कोर्स के नहीं, यानी कि फार्मिंग के कोर्स की सारी डिटेल मौजूद है, साथ में मेरी कंसल्टेशन भी इंक्लूड है, यानी कि अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो दोनों सिचुएशन में मेरी कंसल्टेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। कल का जो प्लान है वो ये है कि इंशाल्लाह ताला इस पिंजरे को यहाँ से निकालते हैं और इसकी सेटिंग यहाँ करके यहाँ पर करेंगे उसकी सेटिंग। किसकी सेटिंग, क्या नाम है उसका, उसकी टर्की की सेटिंग इंशाल्लाह।